हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्वार्टाइल निकालना सीखा, डेसाइल निकालना सीखा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परसेंटाइल को कैसे निकाला जाता है। फिर चाहे दिया गया डेटा हमारा सिंपल हो, डिस्क्रीट हो या फिर ग्रुप्ड हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो परसेंटाइल जो होता है उसे पी सफिक्स के से डिनोट किया जाता है, जहां पे के का जो वैल्यू होता है वो एक से लेके 99 तक कोई भी हो सकता है। जैसे कि न्यूमेरिकल में हमें पूछा गया हो कि जो डेटा है उसका 15th परसेंटाइल ढूंढो, तो हम के का वैल्यू कितना ले लेंगे? 15 ले लेंगे। अगर पूछे कि 28th परसेंटाइल ढूंढो, तो के का वैल्यू हम कितना लेंगे? 28 ले लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल सीरीज से। सिंपल सीरीज यानी क्या? जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी ना हो। अगर हमें सिंपल डेटा का या सिंपल सीरीज का जिसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है उसका अगर परसेंटाइल निकालना है, तो उसके लिए हमें दो स्टेप्स याद रखने होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें कैपिटल एन का वैल्यू निकालना है। कैपिटल एन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसका इक्वेशन होता है स्मॉल एन के डिवाइडेड बाय 100, जहां पे ये जो स्मॉल एन है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि न्यूमेरिकल में दे के रखे होंगे तो हम यहाँ पे रख देंगे। और के क्या होगा? अगर हमें पूछ ले कि फर्स्ट परसेंटाइल निकालो, तो के का वैल्यू 1 रख देंगे। अगर पूछे सेकंड परसेंटाइल निकालो, तो के का वैल्यू 2 रख देंगे। पूछे के 10th परसेंटाइल निकालो, तो के का वैल्यू 10 रख देंगे। तो ये सारी वैल्यू रखने पर हमें एन का वैल्यू मिल जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो हमारा एन का वैल्यू मिला है हमें, वो एन का वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है, नॉट इंटीजर भी हो सकता है। अगर एन का वैल्यू इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है यानी ऐसे कुछ हो सकता है 5.8, 2.7, 3.6, ऐसे कुछ परसेंट में, कुछ पॉइंट में वैल्यू हो, इसे हम बोल देंगे नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तब क्या करेंगे? अगर एन का वैल्यू इंटीजर नहीं है, पॉइंट में है, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है क्या करेंगे, कंसीडर दी नंबर जस्ट आफ्टर डेसिमल एंड टेक प्लेस दी वैल्यू ऑफ फ्रॉम डेटा। यानी क्या करना है कि अगर इंटीजर नहीं है, ऐसे पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो ये जो डेसिमल है उसके बाद का वैल्यू, पॉइंट के जो बाद के वैल्यू है 8.76, बस उसे हम देखेंगे और आंसर लिख देंगे। कैसे वो न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। और अगर ये जो एन का वैल्यू है वो अगर इंटीजर आया, इंटीजर यानी क्या 15, 17, 22, ऐसे कुछ राउंड फिगर आए, तब हमें क्या करना है? तब हमें करना होगा nth टर्म और n प्लस 1 टर्म का मीन वैल्यू निकालना होगा और उस पे से हम आंसर लिख देंगे। तो बस दो स्टेप याद रखने हैं हमें। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? n का वैल्यू निकालना है ये इक्वेशन का यूज करके। सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि अगर n हमारा इंटीजर नहीं आया, तो ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो हम देख लेंगे। और अगर n इंटीजर आया तो हम क्या करेंगे? मीन ले लेंगे, किसका? nth टर्म और n प्लस 1 टर्म का। ठीक है, अब कैसे करना है वो तो न्यूमेरिकल देखेंगे तब समझ में आएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स फाइंड P43 एंड P50, यानी 43rd परसेंटाइल और 15th परसेंटाइल, हमें दो आंसर फाइंड करने हैं और डेटा ये यहाँ पे देके रखा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें उससे पहले हमें एक चीज चेक करनी होती है, किसमें? सिंपल सीरीज में। क्या? कि जो भी डेटा देके रखा है वो एक ऑर्डर में हो, एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, बाद में ही हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या ये बढ़ते या घटते क्रम में है? तो हम बोलेंगे हाँ है। क्यों? 100 से बड़ा 120, 127, 143, 182, यानी कैसे है? बढ़ते क्रम में है, तो हमें कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, अरेंज्ड है यानी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? P43। ठीक है, P43 अगर फाइंड करना है तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 43 आएगा। ठीक है, स्टेप 1 यूज करेंगे। स्टेप 1 में से N का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे? N के बाय 100 करके। N का वैल्यू 43 हमने यहां से, कितना N मींस क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पे लिख के रखा था। N क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं काउंट कर लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऑब्जर्वेशन है, यानी n बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो n बराबर 8, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। k यानी क्या?
कौन सा है 43rd परसेंटाइल ढूंढना है, यानी के का वैल्यू 43 यहाँ पे रख दिया, डिवाइड बाय 100 किया तो एन का आंसर आ गया हमारा 3.44, जो कि क्या है, नॉट इंटीजर है, पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है। तो हम स्टेप टू का यूज करेंगे। स्टेप टू में क्या बोला था, अगर नॉट इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, डेसीमल के बाद की वैल्यू देखेंगे। डेसीमल की बाद की वैल्यू यानी ये पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो फोर्थ प्लेस डेटा के अंदर जो फोर्थ प्लेस पे जो टर्म होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा P43 का। तो फोर्थ प्लेस पे कौन सा है हमारा वेरिएबल, फोर्थ प्लेस पे है 143, तो हमारा P43 क्या हो गया, 143 हो गया, 143 फोर्थ प्लेस पे, तो यहाँ पे हो गया आफ्टर डेसिमल, हमने देखा कि वो नॉट इंटीजर है इसलिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, P15 पूछा है 50, तो उसके लिए वापस स्टेप वन लगाएंगे, एन का वैल्यू ढूंढेंगे। P50 के लिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एन का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, एन के बाई 100 से, एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 रख दिया, के कितना है 50 है, डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा एन का 4, जो कि एक इंटीजर है। अब स्टेप टू का यूज करेंगे यहां से। स्टेप टू में हमने क्या देखा, अगर इंटीजर है तो हम क्या करते थे, मीन वैल्यू लेते थे, किसका, nth टर्म और n प्लस 1th टर्म का। तो मीन वैल्यू ले लेते हैं, ये हो गया हमारा मीन वैल्यू, मीन यानी एवरेज हम बोल सकते हैं, nth टर्म प्लस n प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। n कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 टर्म लिख लो, n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5th टर्म आ गया, डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ टर्म कौन सी है हमारी, 143, तो लिख लिया 143। फिफ्थ टर्म कौन सी है, 182, तो 182 डिवाइड बाय 2, तो हमारा परसेंटाइल 15th परसेंटाइल कितना जाएगा, 162.5। तो आई होप सिंपल सीरीज के कैसे परसेंटाइल निकाले जाते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज यानी क्या, विथ फ्रीक्वेंसी, यानी डेटा के साथ कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज बोल देंगे। डिस्क्रीट सीरीज का परसेंटाइल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये वाली लाइन याद रखनी पड़ेगी। डिस्क्रीट सीरीज का परसेंटाइल निकालना है तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन के बाय 100। यानी क्या कि यहाँ पे हमें एन के बाय 100 निकालना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आया उससे जस्ट बड़ा वैल्यू हमें कहाँ देखना पड़ेगा, हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। कैसे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ लेंगे। और यहाँ पे एन क्या है, एन होगा हमारा समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो कैसे निकालना है, सिंपली हमें एक तो ये एन के बाई 100 कैलकुलेट करना पड़ेगा और इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, ऐड करते जाना, ठीक है, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढ लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो हमारा हो जाएगा परसेंटाइल। कैसे देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल, समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल सेकंड है, द फॉलोइंग इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, फाइंड द 19th परसेंटाइल एंड 18th परसेंटाइल। दो आंसर ढूंढने हैं, P90 और P80 के। और डेटा कौन सा दिया है, मार्क्स और स्टूडेंट है, 5, 10, ये सारे क्या है हमारे वेरिएबल्स है, एक्स यहाँ पे लिख लूंगा, वेरिएबल्स है ये सारे हमारे, ठीक है। और साथ में ये 4, 12, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं P90। तो P90 के लिए क्या होगा, K का वैल्यू 90 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एन के बाई 100 कैलकुलेट करेंगे और उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसमें देख लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो देख लेंगे। देख कैसे है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एन के बाई 100 का वैल्यू फाइंड करेंगे। एन यानी क्या, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यानी ये सारी जो वैल्यूज है इसको, सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा वेरिएबल एक्स का कॉलम 5, 10 से लेके 30 तक, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम 4, 12, 26, ये पूरा 4 तक, ठीक है। यहां से हमें क्या ढूंढना है, कैपिटल एन। कैपिटल एन यानी क्या, ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है 4 + 12 + 26 करते करते 4 तक, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज उसे हम एन बोल देंगे, कितना आया 60 के बराबर, तो 60 रख दिया। के P90 ढूंढना है तो के 90 हो गया, डिवाइड बाई 100, तो हमें एन के बाई 100 का वैल्यू कितना मिल गया है, 54। अब यहाँ पे क्या लिखा था, एन के बाई 100 से जस्ट बड़ा वैल्यू हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करेंगे, यानी कि अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ऐड करते जाओ। कैसे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख लो, 4 में 12 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 26 ऐड करेंगे तो 42, 42 में 8 ऐड करो तो 50, 50 में 6 ऐड करो तो 56, 56 में 4 ऐड करो तो 60। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब हमें क्या करना है कि एन के बाई 100 जो है हमारा 54 उससे जस्ट बड़ा नंबर
CF की कॉलम में फाइंड करना है। तो 54 से जस्ट बड़ा नंबर, 54 से जस्ट बड़ा, ये 50 छोटा है, 54 से जस्ट बड़ा, ये रहा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56 आई है, उसके कॉरस्पॉन्ड में जो वेरिएबल है वो हमारा आंसर हो जाएगा P90 का। यहाँ पे लिखा है जस्ट ग्रेटर देन नंबर इन CF इज 56, 54 से जस्ट बड़ा 56, और उसके कॉरस्पॉन्ड में जो वेरिएबल है वो 25 है, तो 25 क्या हो जाएगा, P90 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। एक और देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। कौन सा ढूंढना है, अब P80 ढूंढना है। तो वापस से एन के बाई 100 की वैल्यू फाइंड करो, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखो CF की कॉलम में, और उसके कॉरस्पॉन्ड में जो वेरिएबल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा किसका, P80 का। तो एन कितना ले लेंगे, समेशन ऑफ FI लिखा है यहाँ पे तो 60 ले लिया, के P80 ढूंढना है तो K का वैल्यू 80 लिख लिया, डिवाइड बाई 100, तो आंसर आ गया 48। अब ये 48 जो है वो हम CF की कॉलम में ढूंढेंगे, उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे। तो 48 से जस्ट बड़ा नंबर, 42 छोटा है, 50 ये रहा जस्ट बड़ा नंबर CF का, और ये जो जस्ट बड़ा नंबर 50 है उसके कॉरस्पॉन्ड में क्या वेरिएबल है, 20 है। तो ये 20 हमारा हो गया P80। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप्ड सीरीज हो, ग्रुप्ड सीरीज यानी क्या, जिसके साथ रेंज और फ्रीक्वेंसी दोनों हो, जैसे कि 0 से लेके 10 में कुछ फ्रीक्वेंसी, 10 से लेके बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी, 20 से लेके 30 में कुछ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसी सीरीज को हम ग्रुप सीरीज बोलेंगे। उसका अगर परसेंटाइल निकालना है तो हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, जहां पे पी ऑफ के यानी परसेंटाइल किसका, ग्रुप सीरीज का होगा, एल प्लस एन के बाई 100 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। अब ये सारी चीज क्या है वो देख लेते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एल क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच परसेंटाइल लाइज, जिसमें हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट है उसकी लोअर लिमिट। एन हो गया हमारा समेशन ऑफ FI, पता है हमें। के क्या होगा, के अगर फर्स्ट परसेंटाइल पूछा है तो के बराबर 1, सेकंड पूछा है तो के बराबर 2, थर्ड पूछा है तो के बराबर 3। कैपिटल एफ क्या होगा, कैपिटल एफ होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसाइडिंग द क्लास कंटेनिंग परसेंटाइल, यानी जो क्लास में हमारा परसेंटाइल होगा उसके ऊपर का, जस्ट ऊपर का, पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम एफ बोल देंगे, देख लेंगे कैसे। बाद में H होगा वो क्लास विड्थ हो गया, क्लास विड्थ यानी क्या, सपोज 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, तो क्लास विड्थ कितना हो गया, 10 हो गया, तो उसे H बोल देंगे। और F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कंटेनिंग परसेंटाइल, यानी जिस क्लास में हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट है वो क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसे स्मॉल F बोल देंगे। और कैपिटल F को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन पहले की फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारा परसेंटाइल है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, उसे हम कैपिटल एफ बोल देंगे। अब ये सारी चीज कैसे अप्लाई करनी है वो न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, थर्ड डिटरमाइन 20th परसेंटाइल एंड P60 यानी 16th परसेंटाइल फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, मार्क्स देके रखे हैं 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, यानी ये सारी चीज क्या है, सारी चीज है हमारी रेंज, और रेंज के साथ क्या देके रखा है, 5, 7, ये सारा क्या हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई, यानी रेंज और फ्रीक्वेंसी दोनों है। तो ये कौन सा डेटा हो गया, ग्रुप्ड डेटा हो गया। और अगर ग्रुप्ड डेटा है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला अभी देख चुके हैं, एल प्लस एन के बाई 100 माइनस एफ, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो परसेंटाइल है वो कौन से रेंज में है, कौन से क्लास में है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब भी हम देख चुके हैं यहाँ पे क्या देखा था हमने, हमारा परसेंटाइल कौन से क्लास में होगा, तो एन के बाई 100 ढूंढो और उसे जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, बस एन के बाई 100 का जो आंसर आएगा उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, उसके वो क्लास में हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर करना है, सबसे पहले तो हमारा जो परसेंटाइल है वो कौन से क्लास में होगा वो ढूंढना पड़ेगा। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं P20, उसके लिए के बराबर 20, एन के बाय 100 का वैल्यू ढूंढो, उससे जस्ट बड़ा नंबर CF की कॉलम में ढूंढो, वो क्लास में हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट होगा। तो एन यानी क्या, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो हम कॉलम बना देंगे किसका, पहले तो रेंज का, ये हो गया हमारा रेंज, तो रेंज का कॉलम आ गया 0 से लेकर 10, बाद में ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। हमें चाहिए क्या, कैपिटल एन का वैल्यू, कैपिटल एन क्या होता है, सारी जो फ्रीक्वेंसीज है समेशन ऑफ एफ 5 + 7 करते करते 6 तक बराबर कितना आया, 40 आया, जिसे हम कैपिटल एन बोल देंगे। तो यहाँ पे 40 लिख लिया, के कौन सा, P20 ढूंढना है, तो के कितना हो गया, 40, 20 हो गया, डिवाइड बाय 100, आंसर कितना आ गया, 8। अब हमारा परसेंटाइल
कहाँ लाई करता है वो कैसे ढूंढेंगे, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर सी एफ में ढूंढना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ऐड करते चलो, कैसे, पांच है तो पांच लिख लिया, पांच में सात ऐड करो तो बारह आएगा, बारह में आठ ऐड करो बीस, बीस में दस ऐड करो तीस, तीस में चार ऐड करो थर्टी फोर, थर्टी फोर में सिक्स ऐड करो फोर्टी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। अब ये कॉलम में क्या देखना है हमें, हमें मिला है एन के बाई हंड्रेड, उसका जस्ट बड़ा नंबर, आठ से जस्ट बड़ा नंबर देखना है, आठ से जस्ट बड़ा नंबर, पांच तो छोटा है, आठ से जस्ट बड़ा नंबर बारह है, यानी कि ये जो क्लास है उसमें हमारा परसेंटाइल पी ट्वेंटी लाई करेगा, प्रेजेंट करेगा। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस सिंपल इक्वेशन लगाना है, पी ट्वेंटी ये वाला इक्वेशन लगा दिया। एल क्या था याद हो तो, लोअर लिमिट, कौन सा लोअर लिमिट, जिसके जो क्लास में हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट है, हमारा परसेंटाइल ये वाले क्लास में प्रेजेंट है, तो उसका लोअर लिमिट क्या होगा, 10 लोअर लिमिट 20 अपर लिमिट, तो 10 ले लेंगे, तो यहाँ पे एल की जगह हमने 10 लिख लिया। बाद में एन के बाय 100 ये वैल्यू डायरेक्टली 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस कैपिटल एफ, कैपिटल एफ क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी, प्रिसाइडिंग ऑफ परसेंटाइल क्लास, यानी क्या कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी लेनी है, जो हमारा परसेंटाइल लाई कर रहा है उसके ऊपर के क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, प्रिसाइडिंग यानी ऊपर के, जो कि पांच के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी ले ली, पांच ले ली, ऊपर की फ्रीक्वेंसी जिसमें परसेंटाइल है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ, स्मॉल एफ क्या था, जो क्लास में हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट है वो क्लास की फ्रीक्वेंसी, हमारा जो परसेंटाइल है वो ये वाले क्लास में प्रेजेंट है, ये वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेवन, तो यहाँ पे हम ले लेंगे सेवन मल्टीप्लाई विथ टेन। बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से 4.2857 आ जाएगा इसका आंसर, और फाइनली हमें मिल जाएगा पी ट्वेंटी का आंसर 14.2857। एक और देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा ढूंढना है, पी सिक्सटी ढूंढना है, तो पी सिक्सटी के लिए के का वैल्यू 60 आ जाएगा। वापस से हमारा जो परसेंटाइल है पी सिक्सटी वो कौन से क्लास में प्रेजेंट है वो ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एन के बाई हंड्रेड का वैल्यू, उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू सी एफ में फाइंड कर देंगे। तो n के बाय 100, n तो अभी देखा, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 40 के बराबर लिख लिया, k कौन सा है 60 ढूंढना है, तो k का वैल्यू 60 डिवाइड बाय 100 आ गया, तो आंसर कितना आया n के बाय 100 का 24। इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है, 24 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 20 तो छोटा है, उससे जस्ट बड़ा नंबर 30 आएगा, ये वाला 30 जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है, यानी ये जो क्लास है इसमें हमारा ये जो फ्री कौन सा परसेंटाइल p60 वो प्रेजेंट है। इतने तक समझ में आ गया हमें, तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जस्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ 24 ले लिया, 30 ले लिया हमने, बस अब तो इक्वेशन लगाएंगे, p60 बराबर ये जो लगाया था सेम। L क्या था, लोअर लिमिट था, जिसमें हमारा जो लोअर लिमिट किसकी, वो क्लास की जिसमें हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट है, हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट है ये क्लास में, तो ये क्लास की लोअर जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 30, तो ये 30 ले लिया, ये अपर लिमिट हो गई। एन के बाय 100 24 ये रहा, डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे, माइनस कैपिटल एफ, कैपिटल एफ क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्लास में हमारा परसेंटाइल है उसके पहले की प्रिसाइडिंग की, यानी 20, तो यहाँ पे लिख लिया 20। और स्मॉल एफ क्या था, स्मॉल एफ था फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारे वो क्लास की जिसमें हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट हो, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारा परसेंटाइल प्रेजेंट है p60, वो क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, तो वो क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 लिख दी, और मल्टीप्लाई विथ एच, एच यानी क्या है, एच यानी हमारा बैच साइज या विड्थ, तो यहाँ पे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 10, 10 का गैप है, तो 10 लिख लिया, 10 से 10 मर जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 34 हमारा p60 का आंसर हो जाएगा। सो आई होप परसेंटाइल कैसे निकलना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।